हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ अनदर एडमिशन लेटर अपडेट। और इस अपडेट में मैं डिस्कस करने वाला हूँ रिगार्डिंग द काउंसलिंग, सेकंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग विच इज़ कंडक्टेड बाय द जे के बोपी फॉर द बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इस सीट मैट्रिक्स का अगर हम एनालिसिस करें कल के लिए, आई थिंक मे बी कल एक या दो दिन और काउंसलिंग ये रहती है, उसके बाद ये इसका फाइनल जो सिलेक्शन लिस्ट है वो लीज कर देंगे। और अपनी सेकंड राउंड ऑफ जो काउंसलिंग है फॉर द बीएससी नर्सिंग, इट इज़ गोइंग टू बी कंक्लूडेड बाय द जे के बोपी। और अब वेरी सून, क्योंकि अब ट्वेल्थ के भी पेपर होने वाले हैं, तो वेरी सून अब इसका भी एंट्रेंस टेस्ट और इसकी भी फॉर्म फिलिंग जो है फॉर द ईयर 2023 वो भी रिलीज़ कर देंगे और उसका प्रोसेस भी जे के बोपी स्टार्ट कर देगी वेरी सून। तो अगर हम इसका डिटेल एनालिसिस करें सीट्स का फॉर बीएससी नर्सिंग, तो जैसे बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के तीन जो कॉलेजेस यहाँ पे जो शो हो रहे हैं वुमेंस के, स्पेशली फॉर वुमेंस इन जम्मू डिवीज़न, किश्तवाड़ एज वेल एज इन रजौरी, तो कल तक तो यहाँ पे सीट्स की अवेलेबिलिटी दिखा रहा था, लेकिन आज कोई भी सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। मतलब आज की, मतलब कल की काउंसलिंग के लिए यहाँ पे सीट्स फिनिश हो चुकी हैं। हाँ, यूटी ऑफ लद्दाख के लिए दो सीट्स की अभी भी अवेलेबलिटी दिखा रहा है। बाकी अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की, तो यहाँ पर अब कहीं पर भी सीट्स की अवेलेबलिटी नहीं दिखा रहा कल के लिए। आई थिंक मुझे लगता है जो भी कैंडिडेट्स जो कल जाएंगे गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, मैं इनको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स को प्रेफरेंस दीजिए। जैसे अखनूर की अगर हम बात करें, तो अखनूर में अभी कोई सीट नहीं बची है, डोडा में यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है, गांधीनगर जम्मू में यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, गंग्याल में यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, किश्तवाड़ में यहाँ पर भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, रजौरी में भी कोई सीट अवेलेबल नहीं है, रियासी में, उधमपुर में कोई सीट्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद कश्मीर डिवीज़न के जो कॉलेज ये शो हो रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर भी कोई भी सीट की अवेलेबलिटी यहाँ पर नहीं दिखा रहा। शरीन बाग में भी कोई सीट नहीं है, ठीक है, श्रीनगर में अनंतनाग इंस्टीट्यूट है यहाँ पर भी कोई सीट नहीं है, अनंतनाग आई थिंक अनंतनाग यहाँ पर भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं शो हो रही है एज़ पर दिस सीट मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम देखें तो पुलवामा में भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं है, स्किम्स में भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं, बारामूला में भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं है, अनंतनाग में भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं है, और यहाँ पर भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं दिखा रहा है अवंतीपुरा में, पुलवामा में, तो यहाँ पर भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं शो हो रही है, यहाँ पर आपका ज़ीरो सीट्स आर अवेलेबल। बाकी अगर हम बात करें श्री माता वैष्णो देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग कटरा जम्मू की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी कोई सीट की अवेलेबलिटी यहाँ पर 36 सीट्स की अवेलेबलिटी ये यहाँ पर शो हो रही हैं एज़ पर दिस सीट मैट्रिक्स। और ये जम्मू डिवीज़न के जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी ये सीट्स की अवेलेबलिटी अभी भी दिखा रहा है। जैसे कि बात करें यहाँ पर 30 सीट्स दिखा रहा है आचार्य श्री चंद्र कॉलेज ऑफ नर्स मेडिकल साइंसेज एस कॉम जम्मू में, फिर उसके बाद यहाँ पर सांबा में एक कॉलेज है यहाँ पर भी 32 सीट्स दिखा रहा है, जगबुलवाल में यहाँ पर बी एन कॉलेज ऑफ नर्सिंग यहाँ पर भी 45 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, कटफॉर्म में 54 सीट्स स्टिल विच आर वेकेंट, फिर कोट बलवाल इंस्टीट्यूट है नदर यहाँ पर भी 39 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, जगबुलवाल जम्मू में राजीव गांधी कॉलेज ऑफ नर्सिंग जगबुलवाल जम्मू यहाँ पर 51 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, कठुआ में यहाँ पर 37 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, फिर मीरा साहब जम्मू में 57 सीट्स की अवेलेबलिटी यहाँ पर भी दिखा रहा है, अश इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज टेक्नोलॉजी श्रीनगर में यहाँ पर 57 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, बीबा हलीमा कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी श्रीनगर यहाँ पर 2 सीट्स की अवेलेबलिटी यहाँ पर दिखा रहा है, पुलवामा में यहाँ पर भी 2 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, अनंतनाग में यहाँ पे 24 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, सोपुर में 23 सीट्स की अवेलेबलिटी दिखा रहा है, फिर यहाँ पर कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं है किडनी कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्रीनगर यहाँ पर भी कोई सीट्स की अवेलेबलिटी यहाँ पर नहीं दिखा रहा, उसके बाद रमज़ान कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुलवामा में यहाँ पर 34 सीट्स हैं, यहाँ पर गांधरबल में 15 सीट्स हैं, श्रीनगर में 46 सीट्स हैं, फिर बांदीपुरा में 48 सीट्स हैं, फिर यहाँ पर 20 बड़गांव में 27 सीट्स की यहाँ पर भी अवेलेबलिटी दिखा रहे, तो टोटल अगर हम बात करें प्राइवेट में तो 663 सीट्स स्टिल दे आर हैविंग वेकेंट फॉर द बीएससी नर्सिंग
सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एज पर दीट मैट्रिक्स फॉर 20th of January। और यहाँ पर गवर्नमेंट सीट्स यहाँ पर 0-0 हो चुकी हैं, ये आपके सामने शो हो चुके हैं। बाकी अगर हम आगे बात करें पैरामेडिकल की, तो पैरामेडिकल में भी यहाँ पर डोडा में तो कोई सीट्स की अवेलेबलिटी नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर तो तीनों कोर्सेज में 0 हो चुका है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं दिखा रहा, यहाँ पर भी सारे कोर्सेज जो 8 कोर्सेज ये रन कर रहे हैं सब में सीट्स 0 हो चुकी हैं। कठुआ में भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं दिखा रहा, तीनों सीट जो तीनों कोर्सेज हैं वहाँ पर वो सीटें मतलब फिलअप हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर भी कोई सीट्स की अवेलेबलिटी नहीं दिखा रहा, रजौरी में भी तीनों सीटें फिलअप हो चुकी हैं। अनंतनाग की बात करते हैं, अनंतनाग में भी कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं दिखा रहा, सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। बारामूला में भी सीट्स यहाँ पर भी कोई नहीं अभी रिमेनिंग है, प्रॉब्लम में भी सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। रेवेन्यू सीनियर की बात करूँ, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज रन होते हैं, 10 कोर्सेज आर रनिंग बट दे आर हैविंग ऑल्सो 0 मतलब सीट्स यहाँ पर की शो हो रही हैं। बात की बात करें बीएन कॉलेज ऑफ नर्सिंग चकवलवाल जम्मू में, तो यहाँ पर यह प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स आ गए, यहाँ पे अब सीट्स की अवेलेबिलिटी यहाँ पर शुरू हो रही है जो लोकल जा रहे हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड यू टू गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। यहाँ पर स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग मेरा साहब जम्मू, यहाँ पर 67 सीट्स दिखा रहा है, यहाँ पर भी आपकी 51 सीट्स हो रही है। बीएससी रेडियोलॉजी में इनके पास सीट्स एसकॉम में 0 हो चुकी है। फिर ये कश्मीर डिवीजन के कॉलेजेस आ गए हैं, यहाँ पर अभी सीट्स की अवेलेबलिटी शो हो रही हैं। जैसे फर्स्ट कॉलेज है श्रीनगर में, इनके पास 96 सीट्स हैं। फिर डॉल्फिन इंस्टीट्यूट पुलवामा में, यहाँ पर 77 सीट्स हैं। फिर उसके बाद आपकी वन सेकेंड, फिर उसके बाद अगर हम देखें ये आपके गवर्नमेंट आ गए, फिर उसके बाद अगर हम देखें ये आ गया आपका डॉल्फिन का, डॉल्फिन के बाद इनके पास 77 सीट्स हैं, इनके पास 13, यहाँ पे 44 सीट्स की अवेलेबलिटी यहाँ पर दिखा रहा है। बाकी गुरु इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस सोपुर में यहाँ 56 50। तो आप फिर यहाँ पर आ गया आपका श्रीनगर में भी, यहाँ पर इंस्टीट्यूट है यहाँ पर भी 58 है। पुलवामा में 42 सीट्स यहाँ पर भी दिखा रहा है, और यहाँ पर भी 67 सीट्स की अवेलेबलिटी यहाँ पर भी शो हो रही है। तो टोटल सीट्स आप हम अगर हम ये देखें तो 615 यहाँ पर अब ये शो हो रही है, टोटल प्राइवेट सीट्स यहाँ पर ये दिखा रहा है, ठीक है। तो 615 सीट्स ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो बीसी टेक्नोलॉजी में, तो यहाँ पर अब कोई सीट की अवेलेबलिटी नहीं, ओपन मेरिट में सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स बाकी अगर हम डिटेल एनालिसिस हम इसका कर चुके हैं, तो इसके कंक्लूजन में ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट की सीट्स में अवेलेबलिटी नहीं है, जो सीट्स बची हैं चाहे जम्मू में डिवीजन की हो या कश्मीर डिवीजन की हो, एक ही जगह पे सीट्स की अवेलेबलिटी है, डेट इज़ द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो जो लोग कल इस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं फॉर द काउंसलिंग, ऑप्ट फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। डू नॉट मतलब वेट फॉर अनदर 1 ईयर, या ड्रॉप कीजिएगा 1 साल गवर्नमेंट कॉलेजेस का वेट करने का, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कंपटीशन विल बी मच मोर टफर। सेकंड चीज़ मैं जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, डेट इज़ द FMPHW कोर्स के बारे में। कई कैंडिडेट्स मेरे को कॉल कर मैसेज भी कर रहे हैं, कॉल भी कर रहे हैं कि सर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो चैनल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें, कि सर हमें कॉलेज चेंज करना है। तो देखिए 20th January तक तो लास्ट डेट थी काउंसलिंग मतलब एडमिशन लेने की है, तो आज तो उसकी एडमिशंस की जो लास्ट डेट है वो आज फिलअप हुई है। तो अभी तो शॉर्टफॉल वो कैलकुलेट करेंगे, फिर कंसर्निंग इंस्टीट्यूट्स बोपी ऑफिस को भेजेंगे, फिर बोपी ऑफिस विल डिसाइड वेदर दे आर गोइंग टू कंडक्ट द सेकेंड राउंड और नॉट। अगर सीट्स फिलअप मतलब वेकेंट रही होंगी तो दे आर गोइंग टू कंडक्ट द सेकेंड राउंड, अदरवाइज दे आर नॉट गोइंग टू कंडक्ट। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आज ही काउंसलिंग ख़त्म हुई है FMPW और MMPW की एडमिशंस की। तो अब क्या है कि अब जो भी शॉर्टफॉल है कंसर्निंग कॉलेज बीपी ऑफिस को देगा, उसके बाद ही उसका फाइनल डिसीजन वो लेंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग। बाकी रही GNM की, 12th बेस पैरामेडिकल की, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही BSN नर्सिंग की काउंसलिंग जैसे ही ख़त्म होगी सेकेंड राउंड, तो मे बी बीपी ऑफिस विल टेक अप द डिसीजन एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड राउंड ऑफ द काउंसलिंग ऑफ द 12th बेस पैरामेडिकल कोर्सेज GNM एंड GNM लेटरल एंट्री मे बी। अभी मुझे उसके बारे में श्योरिटी नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, BSc नर्सिंग की काउंसलिंग जैसे ही ख़त्म हो रही है तो उसी के बाद उसका कुछ अपडेट निकल के आएगा। तो लोग सो फ्रेंड्स
जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं खाली सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे उधर भी फॉलो कर सकते हो। तो जेके वैकेंसीज अपडेट जो है मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप मुझे उधर भी फॉलो अप कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।